क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? किसके बल पर ये सब तूने किया है? जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिन्होंने शिव धनुष तोड़कर सभी राजाओं के गर्व को चूर चूर कर दिया। बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ पर बांध दो और इसे आग लगा दो। वानर को दिखाता हूं कि मैं कितना सामर्थ्य रखता हूं। रावण की शक्ति क्या है उसे अभी पता चल जाएगा। की कृपा से मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, किंतु करूंगा नहीं। इसलिए नहीं करूंगा कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। किंतु तुम सुरक्षित नहीं हो वानर। अब मैं भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र को प्रकट करके तुम्हारा विनाश करने जा रहा हूं। से कुछ वचन कहे हैं प्रभु। अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरणों, दीन बंधु प्रणत
क्यों चकित रह गए ना? मैंने कहा था ना कि मेरा मुक्तिदाता आ गया। बहुत घमंड था ना तुझे कि तेरे कारावास से कोई बाहर नहीं निकल सकता। पवन पुत्र हनुमान का एक गदा प्रहार हुआ और तेरा कारावास। राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें शनिदेव, आप मुक्त हैं। विजयी भव, विजयी भव, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर उपकार किया है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। वरदान देना ही है शनिदेव, तो संपूर्ण पृथ्वीवासियों को दे। मुझे तो प्रभु की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो तुम और तुम्हारी प्रभु भक्ति। तुम्हारी इच्छा का आदर करते हुए मैं समस्त पृथ्वी लोकवासियों को वरदान देता हूं कि जो कोई तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, वो मेरी वक्र दृष्टि से, मेरी सारे साथी की बाधा से सदा सुरक्षित रहेगा, सदा सुरक्षित रहेगा। प्रणाम शनिदेव, तथास्तु। किंतु रावण, तू मेरी वक्र दृष्टि से सुरक्षित नहीं रहेगा। दशानन, पवन पुत्र हनुमान प्रभु का परम भक्त है, उसका तेरी लंका में आना ही तेरे लिए संकेत है। जा, प्रभु की शरण में जा। अब भी समय है रावण, अब भी समय है, समझ जा। अन्यथा शनिदेव, लंका जाने के लिए हमें ये सागर पार करना ही होगा। वीर हनुमान, तुम्हें बताओ ये वानर सेना इस समुद्र को कैसे लांगेगी? तब तक मैं सीता को अपने आने का संकेत भेजता हूं। डंकार है, ये श्री राम के आने की सूचना है। मंदोदरी, तुम्हारा हृदय इतना कोमल कैसे हो गया? त्रिलोकेश्वर रावण की महारानी धनुष प्रत्यंचा की एक एक टंकार से भयभीत हो गई। ये टंकार कोई साधारण टंकार नहीं है स्वामी, ये तो सावधान करने की एक घोषणा है, एक अलौकिक संकेत है उस शक्ति का जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये तो चेतावनी है आपके लिए स्वामी। मेरे लिए चेतावनी कौन है? कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में?
प्रभु आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, अपनी सीता को लेने आ रहे हैं। अब मैं शीघ्र ही यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। अवश्य। मैं तुम्हें इस वाटिका से मुक्त करके अपने साथ ले जाने ही तो आया हूं। जानती हो, मुझे हर्ष हुआ ये जानकर। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ माया का खेल खेलेंगे, परंतु यहाँ नहीं, राजकक्ष में। वहीं रुक जाओ रावण। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पातिव्रत्य एक आग होती है, और यदि आग से खेलने का प्रयास करोगे तो तत्काल जलकर भस्म हो जाओगे। सीते, हम भस्म होकर भी तुम्हारे अंगों पर विराजमान होना चाहते हैं। दुष्ट, अपने पापों में और वृद्धि मत कर। तेरी मृत्यु की घोषणा प्रभु श्री राम के धनुष बाण ने दे दी है। तुझे मृत्यु के संकेत मिलने आरंभ हो गए हैं। अभी भी समय है, जाकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। चरण नहीं, चोटी पकड़ूंगा, चोटी, और उसे घुमाकर अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। नारायण, नारायण। अग्नि स्वरूपा, सीता मैया ने रावण को मृत्यु का साक्षात्कार भी करवा दिया, फिर भी रावण की प्रतिक्रिया नहीं बदली। उसके क्रोध का तापमान तो और भी ऊंचा हो गया है। देखिए प्रभु, देखिए, देखिए, क्रोध में उसके पांव कैसे धरती को हिला रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? वो क्या है जो रावण जैसे बुद्धिमान और महाज्ञानी की बुद्धि पर आवरण डाल रहा है? क्यों महाविद्वान रावण को सत्यता का आभास नहीं हो रहा? क्यों उसको अपने दुष्कर्म सुकर्म लग रहे हैं? क्यों श्री राम में उसे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे? क्यों प्रभु, क्यों? अहंकार देवर्षि, अहंकार। उसकी अंतरात्मा पर अहंकार का इतना मोटा आवरण चढ़ा है कि उसे उसकी बुराइयां, उसके पाप कर्म भी पाप नहीं लगते। सब कुछ जानते हुए भी वो साक्षात परमेश्वर से भिड़ जाने की धृष्टता कर रहा है। देवर्षि, अहंकार ने रावण की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि वो अपने साथ साथ समस्त राक्षस जाति को उस कगार पर ले आया है जहां से विनाश आरंभ होता है। त्रिदेवो, रावण तो अहंकार में अंधा हो गया है, किंतु उसके साथी, उसके पुत्र, उसके भाई, उन्हें सच्चाई का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा? वो भगवान का तेजस्वी रूप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देवर्षि, रावण के भाई विभीषण ये जानते हैं कि श्री राम प्रभु के अवतार हैं, इसीलिए तो उन्हें रावण का सीता हरण करना अच्छा नहीं लगा, और वो आज भी अपने भ्राता रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण, नारायण। महाराज, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा दीजिए, यही नीति है। विभीषण, तुम जानते नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम हमें थूक कर चाटने के लिए कह रहे हो। तुम जिस नीति की बात कर रहे हो, उस नीति का निर्माण हम करते हैं। हम जो बोलते हैं वो नीति है, हम जो कहते हैं वो धर्म है। नहीं भ्राता श्री, ये अधर्म है, और यदि आप इसी अधर्म पर अग्रसर रहे
तो हमारे सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं आपके चरण पकड़कर विनती करता हूं कि आप प्रभु श्री राम। विभीषण, रावण के सामने किसी अन्य को भगवान कहना मूर्खता ही नहीं, ये लंकेश का अपमान है, अपमान। तुम जो चाहते हो वो रावण कभी नहीं करेगा। रावण को अपना यश प्रिय है, वो युद्ध में अपना सिर कटा सकता है, परंतु पढ़ाए हुए पक्को वापस लेकर अपने कुल को कलंकित नहीं कर सकता। सीता लंका से अब नहीं जाएगी। इसके लिए मुझे युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा। यदि तुम अपनी बहन सुपर्णखा के प्रतिशोध को अनीति समझते हो, अलंकेश्वर के धर्म को अधर्म, यदि तुम्हारे मन में सीता के लिए सहानुभूति है और उस शत्रु राम के लिए श्रद्धा, तो अब से लंका तुम्हारी नहीं पराई है। अब तुम लंका छोड़कर जा सकते हो। जाओ देशद्रोही, जाओ। काकाश्री, पिताश्री ने तो आपके मन की बात कह दी। जाइए और राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए, कीजिए उनकी चाटुकारिता। जाइए। स्वामी, ये उचित नहीं है। आप अपने अनुज विभीषण को रोक लीजिए। नहीं मंदोदरी, उसका हृदय लंका के शत्रुओं से मिला हुआ है, और जो लंका के हित का नहीं सोचता वो देशद्रोही है। क्या द्रोह किया है विभीषण ने? क्या द्रोह किया है? आपको पराई स्त्री लौटाने के लिए कहा यही ना? आपको अपने दुष्कर्म का प्रायश्चित करने के लिए कहा यही ना? आपको भगवान राम की शरण में जाने के लिए कहा यही ना? मंदोदरी, क्या तुम्हारा पति बलहीन है, कायर है? मैं क्यों जाऊं किसी की शरण में? मेरी शरण में पूरा ब्रह्मांड है। मैं त्रिलोकपति हूँ, और विभीषण मुझे शरणागत होने के लिए कह रहा है। मुझे इस समय आप भ्रमित हो गए हैं, इसलिए आपको अपना अकल्याण दिखाई नहीं देता। मेरा अकल्याण? दशानन रावण का कल्याण? मंदोदरी, उचित यही होगा कि तुम इस समय मुझसे मुंह न लगो। मुझे अपनी शक्तियों का भलीभांति ज्ञान है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया है। कैलाश पर्वत को मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है, और तुम मुझसे कह रही हो कि उस वनवासी के चरण पकड़ लूं? असंभव। देखना किस तरह मैं उस वनवासी राम और उसके भाई लक्ष्मण का सिर काटता हूं, क्योंकि मैं अमर, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नारायण, नारायण, प्रभु, रावण तो विवेकहीन हो गया है। देवर्षि, विभीषण रावण के विवेक का प्रतीक ही तो है। उस विवेक को रावण अपने आप से दूर भेज रहा है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश काल आता है, तब पृथ्वीवासी इसी तरह अपने विवेक को छोड़ अविवेक को अपना साथी बना लेते हैं। देवर्षि, नारायण, नारायण। देवर्षि, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता होता है। दशानन रावण को ही देख लो, जन्म कहां हुआ? महर्षि पुलस्त के कुल में, किंतु अपने कर्मों से अधोपतन हो गया है रावण का। हाँ प्रभु, ये सब विनाश के चिन्ह हैं देवर्षि। अर्थात रावण का विनाश अब निश्चित है। नारायण,
नारायण। समुद्रदेव, हमें एक निस्सहाय स्त्री को जो आपकी सीमा के उस पार बसी लंका के राजा रावण के बंधन में है मुक्त कराना है। हमारे पास आपको पार करने का उपकरण नहीं है, कृपा करके हमें लंका जाने का उपाय सुझाएं और हमें उस पार जाने की अनुमति दें। समुद्र देव, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें और हम पर कृपा करें। समुद्र देव, आप मुझे विवश कर रहे हैं। रावण के बंधन में मेरी पत्नी सीता है और आप मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बाधा बन रहे हैं। मैं राम अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं और जो कोई भी हमारा मार्ग प्रतिबंधित करेगा वो हमारा शत्रु है। इसीलिए मैं दशरथ पुत्र राम जाइए। प्रणाम समुद्रदेव। क्या मुझे लज्जित कर रहे हैं प्रभु? आप तो सकल विश्व के स्वामी हैं और आप विश्व के स्वामी को मार्ग न देकर उनका अपमान कर रहे हैं। आप बाण छोड़िए भैया। नहीं प्रभु, नहीं, अनर्थ हो जाएगा। हमारा आश्रय लेकर अनेक जीव जंतु जी रहे हैं, बिना जल के ये सभी निष्प्राण हो जाएंगे। प्रभु, मैं नहीं रहूंगा प्रभु तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। किंतु यदि आप इसी तरह बाधा बने रहे तो हम लंका कैसे जाएंगे? आप जा सकते हैं प्रभु। कैसे समुद्रदेव? सेतु बांधकर। सेतु? आप जैसे विशाल सागर पर सेतु कैसे बांधा जा सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपकी सेना में नल और नील को सेतु बांधने का विशेष ज्ञान प्राप्त है। ये दोनों इस विषय में विशेषज्ञ हैं। उन्हें उन पत्थरों की पहचान है जो हमारे जल पर तैर सकेंगे। वैसे पत्थरों का प्रयोग करके आप लंका जा सकेंगे प्रभु। ठीक है समुद्रदेव। भैया, अब इस बाण का क्या प्रयोग करेंगे? में जलती हुई आग देखकर क्या अपनी लंका जलती हुई याद आने लगी? पहले लंका जली थी, अब लंका का अंतरिक्ष जल रहा है। समझ जा रावण,
समझ जा, अब भी समय है, संभल जा। नियति का संकेत समझ ले और संभल जा। दूसरों को तुच्छ मानने वाला अपने पतन की सीढ़ियां नहीं गिनता, किंतु सीढ़ियां उतरना आरंभ कर देता है। ठीक वैसे ही दशा आज तेरी है दशानन। तुझे अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता, न बलवान, न ज्ञानी, न विद्वान, न योद्धा। तू किसी का विरोध सुन नहीं सकता। तेरी भलाई करने वाला, तेरी भलाई सोचने वाला तुझे फूटी आंख नहीं भाता। चाहे वो तेरी अर्धांगिनी मंदोदरी हो, चाहे तेरा भाई विभीषण। कुछ और सत्कार शेष है शनिदेव? पहले इसे तो पूरा होने दे। अपने पांव रोक कर सोच, तूने विभीषण जैसे शुभचिंतक को। नहीं, विभीषण मेरा छोटा भाई होते हुए भी वो मेरा शुभचिंतक कभी नहीं रहा। वो शुभचिंतक है राम का। किंतु विभीषण तेरी अच्छाई है, विभीषण तेरी विनम्रता है, विभीषण तेरा विवेक है। विभीषण है तो रावण सगुण है, और विभीषण नहीं है तो रावण निर्गुण। शनिदेव, ये रावण स्वयंभू है, स्वयंभू। इसे किसी विभीषण की आवश्यकता नहीं। रावण जो चाहे कर सकता है। नहीं रावण, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरी राशि में आ गया हूं और मैं तेरी मृत्यु को एक एक पग तेरी ओर बढ़ते देख रहा हूं। अच्छा, तो तुम मेरी मृत्यु देख रहे हो? हाँ रावण, हाँ। क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें फिर से बंदी बनाकर पहले तुम्हारी आंखें फोड़ता हूं। ये कौन है जो हमारी ओर आ रहा है? ये रावण का कोई गुप्तचर लगता है। हाँ, उसने किसी मायावी राक्षस को हमारे सेतु बांधने के कार्य में बाधा डालने के लिए भेजा होगा। मैं उसे अभी नष्ट कर देता हूँ। रुक जाइए सौमित्र लक्ष्मण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और शरणागत पर प्रहार नहीं करते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महाराज। आप? प्रभु, ये लंकाधीश रावण के कनिष्ठ भ्राता विभीषण जी हैं। रावण के भ्राता? अर्थात अधर्म, अनीति और अनाचार के संरक्षक? नहीं सौमित्र लक्ष्मण, अब मैं लंका के राजपद से मुक्त हूँ। मैंने अधर्म का पद छोड़ धर्म के पद पर चलने का निर्णय लिया है। अतः मैं प्रभु के चरणों में ही रहने आया हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु, जहाँ आप हैं वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वो विजयश्री है। क्या मुझे आपके चरणों में आश्रय मिलेगा प्रभु? ये निर्णय तो आप ही को लेना है प्रभु। हमारा हृदय हमसे कह रहा है कि हम महाराज विभीषण को अपना मित्र समझें और मित्र माने। एक प्रार्थना है प्रभु, आप मुझे महाराज न कहें। हम जानते हैं युद्ध में दशानन रावण को पराजित करने के बाद
आप ही लंकापति होंगे। हम आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाएंगे। प्रभु राम का वचन अटल है। हम इसी समय आपका राज्याभिषेक करेंगे। महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, महाराज विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। ऊंच नीच जाने नहीं, जात पात माने नहीं, कृपा सिंधु राम कृपा भक्तों पे लुटाते हैं। कह रहे हो गुप्तचर, ऐसा संभव नहीं है। परंतु यही हुआ लंकेश्वर, राम और सुग्रीव ने उनका राज्याभिषेक किया है और सारी वानर सेना के सामने उन्हें लंकाधिपति घोषित किया है। मैंने उनकी जय जयकार सुनी है। आपने सुना महारानी, आपने सुना? बहुत पक्ष लिया करती थी मेरे अनुज का, बहुत बड़ाई किया करती थी विभीषण की कि वो मेरी शक्ति है, मेरा विवेक है, लंका का सौभाग्य है और मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। देखा कितना बड़ा शुभचिंतक निकला वो, विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ, मेरे शत्रु के साथ मित्रता करके मेरा शत्रु बन गया है वो, अपने ज्येष्ठ भ्राता का शत्रु, वो नीच मेरे राज सिंहासन को मुझसे छीन कर उस पर बैठना चाहता है और अपने आप को लंकापति घोषित कर दिया है उसने। तो क्या हुआ महाराज, एक विभीषण तो क्या, सहस्त्रों विभीषण भी उन वनवासियों और वानरों से जा मिले तो भी दशानंद से कोई आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर राम सहित काका विभीषण को भी यमलोक पहुंचा दूं। इंद्रजीत, बड़ों का सम्मान करना भूल गए हो तुम? अपने काका श्री के लिए ऐसे बोलते हैं? बोलेगा क्यों नहीं, ये लंका का युवराज है, लंका का शत्रु इसका शत्रु है। तो क्या विभीषण का वध करने की बात करेगा ये? यदि राज्य की सुरक्षा के लिए मेरा भी वध करना पड़े तो ये करेगा, क्योंकि ये युवराज का धर्म है। वैसे भी माता श्री, राजनीति तो कहती है कुलद्रोही, राजद्रोही और भ्रातृद्रोही का वध तो सबसे पहले करना चाहिए। महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं नहीं, अपने पिताश्री के भाई की हत्या, उस काका की हत्या जिसने अपने भाई के साथ ही नहीं, अपने देश के साथ ही नहीं, अपनी जात के साथ विश्वासघात किया है, जिसका अपराध। और आपका अपराध? मेरा अपराध? क्यों, सीता का हरण क्या अपराध नहीं? और उसी सीता के कारण अपने भाई को देश निकाला देना क्या अपराध नहीं? विभीषण आपका भाई है, आपका अनुज है, और सीता कौन है आपकी? जरा ध्यान से सोचिए स्वामी, जिस दिन से आप उस स्त्री को लंका में लाए हैं, लंका का सुख चैन ही खो गया है, नित्य कुछ न कुछ अमंगल हो रहा है, अपयश ही अपयश पा रहे हैं आप स्वामी। एक सीता के लिए क्या क्या नहीं खोया आपने स्वामी, क्या नहीं खोया? अब और क्या क्या खोना चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना मान लीजिए स्वामी और सीता को लौटा दीजिए। नाय मंदोदरी, एक बार नहीं कितनी बार कह चुका हूँ, रावण एक बार अपना पग बढ़ाकर उसे वापस नहीं लेता। सीता लंका में आ गई है तो वो लंका में ही रहेगी।
और विभीषण विभीषण लंका से चला गया तो लंका से सदा बाहर ही रहेगा। अब उसका मृत शरीर भी लंका में नहीं आएगा मंदोदरी। लंकेश्वर की महारानी मंदोदरी हूं। आप यहां? मेरे पति सत्य ही कहते थे तुम सचमुच त्रिभुवन सुंदरी हो। सीता, तुम्हारी इसी सुंदरता से आकर्षित होकर मेरे स्वामी अपना विवेक खो बैठे हैं। तुम नहीं जानती तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात उनके सोचने का ढंग ही बदल गया है। वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी का परामर्श उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो नीतिवान है परंतु अब अनीति ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया है। वो धर्मज्ञ है, वेदज्ञ है, परंतु अब धर्म और अधर्म के बीच का भेद उन्हें दिखाई नहीं देता और ना ही सुझाई देता है। स्त्री हठ विख्यात है परंतु मेरे स्वामी का हठ मानो जैसे अटल हो गया है और इसी में मुझे लंका का विनाश दिखाई देता है। उनकी सोच में और उनके कर्मों में जो परिवर्तन आया है वो तुम्हारे कारण। अतः पूरी राक्षस जाति की भलाई और लंका की भलाई के लिए मैं उनकी आज्ञा के बिना यहां आई हूं। आप क्या चाहती हैं? मैं इस बंदी गृह से तुम्हें मुक्त कराने आई हूं। आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए यह आवश्यक है। आप अपने महाराज के क्रोध को आमंत्रित कर रही हैं। जानती हूं इसके लिए कदाचित मुझे कठोर से कठोर दंड भी मिले तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। उठो सीता, मैं तुम्हें तुम्हारे पतिदेव के पास छोड़ाती हूं। मैं विमान का प्रबंध करके आई हूं। चलो सीता, इससे पहले कि कोई बाधा आ जाए यहां से निकल चलो। मैं आपकी भावनाओं और राक्षस जाति के हित के लिए आपके साहस का आदर करती हूं परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? मुझे मुक्ति चाहिए किंतु प्रभु श्री राम के हाथों वो आएंगे और जिस रावण ने छल और बल से मेरा हरण किया है उसे उपयुक्त दंड देकर पृथ्वी वासियों के लिए एक नए आदर्श को प्रस्थापित करेंगे। परंतु सीता, उससे पहले तुम दशानन के क्रोध और विकारों की लपेट में आ गई तो तुम भाग्यशाली हो कि दशानन ने तुम्हें अब तक स्पर्श नहीं किया। परंतु कब तक सीता, कब तक? महारानी मंदोदरी, आपके पति बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, और वे जानते हैं कि वे अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। अग्नि? कौन अग्नि? अग्नि
मैं ही वो आग हूँ जो रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी का विनाश करने आई हूँ। एक बात बताओ महारानी मंदोदरी, लोग समझते हैं लंका दहन हनुमान ने किया है ना? नहीं, लंका दहन मैंने किया है। रावण को संकेत दिया था किंतु संकेत को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अब वो विनाश की कगार पर खड़ा है। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, कौन हो तुम?